चंद्रग्रहण 2023। जानिए साल के पहले चंद्रग्रहण का राशियों पर असर। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को एक अशुभ समय माना जाता है। वैदिक ज्योतिष और हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कुल मिलाकर 4 ग्रहण लगने जा रहे हैं, जिसमें से पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लग चुका है और चंद्र ग्रहण मई माह की शुरुआत में लगेगा। यह चंद्र ग्रहण कई राशियों के लिए शुभ अशुभ योग लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं इस साल के पहले चंद्र ग्रहण का क्या होने वाला है आपके जीवन पर असर। चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को शुरू होगा 8:45 पर और ये समाप्त होगा 10:53 पर। चंद्र ग्रहण और सूतक काल। ज्योतिष में सूतक काल को एक अशुभ काल माना जाता है। इस दौरान हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, जैसे देवी देवताओं की पूजा करना, घर या प्रॉपर्टी खरीदना या कोई नया वाहन या वस्त्र आदि खरीदना। इसलिए लोगों के बीच इस बात को लेकर संदेह हो सकता है कि इस साल का चंद्र ग्रहण सूतक काल में लगेगा या नहीं। तो आपको बता दें कि सूतक काल का प्रारंभ ग्रहण के 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो भारत में ना लगकर देश के अन्य हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए भारत में यह सूतक काल मान्य नहीं होगा। विश्व के इन हिस्सों में दिखाई देगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। सिर्फ इस साल से ही नहीं, हर साल लगने वाले पहले चंद्र ग्रहण को उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है और दूसरे चंद्र ग्रहण को आंशिक चंद्र ग्रहण। तो इस साल को पहला उपछाया चंद्र ग्रहण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका जैसे देशों में दिखाई देगा। आइए जानते हैं 12 राशियों पर कैसा रहेगा चंद्र ग्रहण का प्रभाव, जो कुछ राशियों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ रहा है तो कुछ राशियों के लिए अशुभ भी। आइए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों को चंद्र ग्रहण के दौरान सतर्कता बरतने की जरूरत है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से वे कानूनी पचड़े में फंसने की संभावना को अधिक बना देता है, इसलिए मेष राशि वालों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। इस साल का चंद्र ग्रहण वृषभ राशि के लिए काफी अनुकूल साबित हो रहा है। इस दौरान वृषभ राशि के जातकों की रचनात्मक कार्य में रुचि बढ़ेगी, जो उनकी प्रतिभा को और निखारेगी। मिथुन राशि वालों के लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। नौकरी कर रहे लोगों के प्रमोशन और आमदनी दोनों में वृद्धि होगी, इससे आर्थिक लाभ मिलेगा। नई जॉब की खोज भी पूरी हो जाएगी, इसमें सफलता प्राप्त होगी। विदेश यात्रा भी सफल रहेगी। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह समय काफी अच्छा सिद्ध होने वाला है। कर्क राशि वालों को वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा, पारिवारिक संबंध भी मजबूत होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वालों पर व्यापार की दृष्टि से चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा साबित हो रहा है। सिंह राशि वाले व्यापार में तो सफलता पाएंगे ही, साथ ही साथ उन्हें गुप्त धन की प्राप्ति होने के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा अपने संचार कौशल के माध्यम से सिंह राशि के व्यक्ति कोई उच्च पद हासिल कर सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी चंद्र ग्रहण शुभ संदेश लेकर आ रहा है। इस दौरान कन्या राशि के जातकों में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और उनके कौशल क्षमता में सुधार होगा। अगली राशि है तुला राशि। चंद्र ग्रहण 2023 तुला राशि के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उनके सोचने परखने की क्षमता और अधिक विकसित कर सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक का स्वभाव बिच्छू की तरह तेज और आक्रामक होता है, इसलिए चंद्र ग्रहण 2023 इस बात की ओर इशारा करता है कि इस दौरान वृश्चिक राशि के लोगों का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो सकता है। धनु राशि। धनु राशि के लोगों को संचारात्मक अभिव्यक्ति और विकास के अवसर प्रदान होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों को विशेष लाभ पहुंचेगा और विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। मकर राशि। मकर राशि वालों पर चंद्र ग्रहण के दौरान मकर राशि के लोगों को अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसी की भी तीखी आलोचना और कड़वा बोलने से उन्हें बचना चाहिए। कुल मिलाकर मकर राशि के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। कुंभ राशि। इस चंद्र ग्रहण के दौरान कुंभ राशि के लोगों को ज्योतिषी सलाह देते हैं कि कुंभ राशि के लोग अपने अंतर्वैयक्तिक ज्ञान को जानें, जिसके माध्यम से कुंभ राशि के लोग अपने गुस्से को नियंत्रित कर पाएंगे। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी उनको प्राप्त होगी। मीन राशि। ज्योतिष शास्त्र की अंतिम राशि मीन राशि वालों पर अपने जल तत्व के कारण मीन राशि के लोगों के लिए यह चंद्र ग्रहण बहुत शुभ माना जा रहा है। मीन राशि के लोगों के व्यक्तित्व क्षमता में वृद्धि होगी। अगर मीन राशि के जातक किसी कार्य क्षेत्र में लगे हैं तो उनके लिए तरक्की के योग बन रहे हैं। लोक प्रशासन से जुड़े लोगों को अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आपने जाना कि चंद्र ग्रहण 2023 का किस तरह से आपकी राशियों पर असर पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ज्योतिष समाधान, साउथ ब्लॉक डिजिटल। धन्यवाद।